वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार जिन राज्यों में मारीजुआना वैध है वहां दर्द निवारक दवाओं की खपत कम है और शराब की खपत में 15% की कमी आई है। मारीजुआना मूल रूप से शराब, तंबाकू और दवा कंपनियों के लिए खराब व्यवसाय है। यहां तक कि गैर सरकारी संगठन भी दवा के बारे में नकारात्मक धारणा बनाने से नहीं चूकते हैं, जो वास्तव में दवा, तंबाकू और शराब कंपनियों द्वारा वित्त पोषित है। एक अध्ययन के अनुसार मारीजुआना शराब और सिगरेट की तुलना में 114 गुना कम हानिकारक है। हालांकि ये सब मारीजुआना के अवैध बाजार को पनपने से नहीं रोक पाया। अकेले हिमाचल में 60,000 किलोग्राम से अधिक अवैध उत्पादन मौजूद है, जिसमें से केवल 1% को पकड़ा गया है। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस यानी कि NDPS अधिनियम 1985। अमेरिका में राष्ट्रपति निक्सन के नेतृत्व में वॉर ऑन ड्रग्स अभियान के अपार दबाव के तहत राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1985 में नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट पारित किया। ये अधिनियम ही वर्षों से विवाद का स्रोत रहा है। NDPS ने निर्देशित किया कि भांग का मतलब चरस यानी कि पौधे से निकाला जाने वाला राल, गांजा यानी कि पौधे से फूल या फलने में सबसे ऊपर, और मारीजुआना के दो अनुमत रूपों में से कोई भी मिश्रण का पेय है। इसने कैनबिस रेजिन और फूलों के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन पत्तियों और बीजों के उपयोग की अनुमति दी, जिससे राज्यों को उत्तरार्ध को विनियमित करने की अनुमति मिली। अनिवार्य रूप से पत्तियों और बीजों को कंट्राबैंड के रूप में वर्गीकृत करने के कलंक से बख्शा गया। नतीजतन अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम है जब ये भांग खपत और बेचने की बात आती है। कुछ राज्यों में केवल अधिकृत डीलरों को भांग बेचने की अनुमति है। कई राज्यों में भांग की अधिकतम मात्रा के बारे में भी नियम है जो एक व्यक्ति अधिकतम ले जा सकता है। अधिनियम ने औद्योगिक उद्देश्यों जैसे कि भांग बनाने या भारत में कानूनी रूप से बागवानी उपयोग के लिए भांग की खेती पर विचार किया। नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों पर राष्ट्रीय नीति भी बायोमास फाइबर और उच्च मूल्य वाले तेल के स्रोत के रूप में भांग को पहचानती है।